अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग प्लस लाइफ। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बना रहे हैं फिश, और फिश आज हम तैयार करेंगे ओवन के अंदर। और फिश, ये साबित फिश है, बस इसका आगे से मुंह हमने काट लिया और पीछे से भी टेल थोड़ी सी, और अंदर से इसकी सफाई वगैरह करके, और तकरीबन 2 किलो होगी, 2 किलो से ज्यादा भी हो सकती है, कम अज कम 2 किलो है। और इसके लिए हमने जो सा ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, थोड़ा इसमें हम बाकी चीजें ऐड करेंगे, बल्कि ये डालने से पहले मैं हम ये ऐड करेंगे नमक, 2 टीस्पून नमक है, उसके बाद बाकी सारी चीजें 1-1 टीस्पून है, सुरख मिर्च पाउडर है, उसके बाद है हल्दी, इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे हम, उसके बाद जो उनसे गरम मसाला, ये सब चीजें 1 टीस्पून है, उसके बाद सूखा धनिया, और उसके बाद अजवाइन। कुछ लोग इसको बिल्कुल कूट के ग्राइंड करके लेते हैं, हमने थोड़ी साबुत ही रखी है, और उसके बाद हम इसमें बाकी चीजें ऐड करते हैं। 2 चम्मच जो उनसे हैं बड़े, ये देखें फुल साइज, ये हम विनेगर के ऐड करेंगे, लेमन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने काफी क्वांटिटी में ऐड कर दी है, और 2 ही चम्मच हम ऑयल के ऐड करेंगे। लग रहा है आपको काफी बड़ा होगा, पर इतना बड़ा है नहीं है, ये हमने इसमें ऑयल ऐड किया, और इसका एक ग्रेवी टाइप पेस्ट बना लेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए इसका इस तरीके का पेस्ट सा बन गया है, जो सारी चीजें हमने मिक्स की हैं, और ये फिश को हमने कट लगा लिया अच्छी तरीके से। अभी हमने कट्स के अंदर भी ये मसाला लगाना है, और ये जो इसके अंदर से हमने काटी है और साफ की है, इसके अंदर भी सारा लगाना है अच्छे तरीके से। ये देखें, हाथ अच्छे तरीके से पहले आप साफ कर लें, और इसके अंदर तक ये मसाला लगाना है सारा। ये मैं साइड्स पर भी लगा रही हूं, और फिर मैं अंदर लगाऊंगी ताकि इसकी जो साइड्स हैं इसमें भी अच्छे तरीके से फिल हो जाए। अच्छे तरीके से इसको, क्योंकि जितना अच्छा मसाला लगेगा उतनी ही फिश अच्छी तैयार होगी। इसको हमें थोड़ी सी जल्दी है, तो हम सिर्फ इसको 2 घंटे ही रखेंगे, वरना आप इसको ज्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। और अब थोड़ा सा हम मसाला इसके अंदर भी ये सारा ऐसे ऐड करेंगे। अच्छा, नमक मिर्च आपने अपने जोन सा जायके के जितना आप खाते हैं, मेरी अम्मी के घर जोन सा है वो ज्यादा नहीं नमक मिर्च पसंद करते, ससुराल वाले थोड़ी ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा लाइट ही रखा है, तेज नहीं रखा। अगर आप तेज पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दें सारी चीजों की, जो हमने 1 टीस्पून डाला है वो आप 2 डाल दें। अच्छा जी, आप जैसे कि देख सकते हैं पूरी फिश को अच्छे तरीके से हमने दोनों साइड से मसाला लगा दिया है, और अगर इसको आप जितनी देर रखेंगे, जिस तरह रोस्ट की रेसिपी भी आपको बताई थी, उसका मसाला उतना ही अंदर अच्छे तरीके से रच जाएगा। इसको विनेगर इसमें ऐड किया हुआ है, इस वजह से इसको आप पूरा दिन भी अगर रखें तो ये खराब नहीं होगी फ्रिज के अंदर। और बाकी जो है हम इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए रखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमने बस फौरन से खाना है, तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अगली। ये फिश को तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, अब हम इसको इस पे रख के और इसको नीचे रख देंगे। तकरीबन हम मिडल में इसको रख रहे हैं, और इसको तकरीबन हमने ये 150 पे रखा, और अब आपको दिखाते हैं। अब इसको तकरीबन हमने थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, अभी 20 मिनट तो पकाएंगे, फिर हम चेक करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। फिश हमारी तैयार हो गई है, तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे हैं, और बहुत ही मज़ेदार लग रही है। आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, सर्दियों का मौसम आ गया, और फिर बताइएगा कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।